पहले तो आप देख रहे हो यहाँ पे यूरोप का सबसे बड़ा फायर फेस्टिवल होता है। इस वक्त मैं हॉप ऑन हॉप ऑफ पे हूँ स्कॉटलैंड में। ये देखिए, ये मौसम का जादू है मित्रों, दिल पे काबू है। ट्रेडमिल किया है यहाँ पे, इस वक्त 4 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें भी पसीने निकल आया है और धमाल हो गया है, मजा आ गया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ड्रग हो गया है वर्कआउट मेरे लिए, कि मतलब अगर मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ तो मैं डल डल सा फील करता हूँ। तो 2 दिन मैंने वर्कआउट नहीं किया था बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन मजा आ गया आज तो, धमाल वाला मजा आ गया। तो अभी ट्रेडमिल किया है, अब थोड़ा सा एब मारूंगा, फिर बॉडी पार्ट भी करूंगा एक आध, जितने डंबल्स हैं उनसे करूंगा, देखते हैं कितना कर सकते हैं, है ना, करना तो पड़ेगा ही। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अभी 2 हफ्ते तक होल्ड किया हुआ है, क्योंकि मेरी उंगली में चोट लगी है, मैं बाहर आया हूं, तो 2 हफ्ते बाद डेफिनेटली आई विल वर्कआउट और वैसे ही फुल फ्लो में। लेकिन अभी भी मैं वर्कआउट करता रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं यार, जो मैंने इतना मेंटेन किया हुआ उसको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। क्या हो गया है, उंगली में तो चोट लगी हुई है, लेकिन चक्कर ये हो गया है कि मैं मेरे जिम में बहुत हैवी डंबल्स मारता हूं, तो ये हालांकि 15-15 किलो के डंबल है, लेकिन मुझे एकदम लाइट लग रहे हैं, मतलब एकदम हलवे की तरह लग रहे हैं, आई मीन। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इसी को कहते हैं, है ना। इफ यू आर इन रोम बिहेव लाइक अ रोमन, इफ यू बिहेव लाइक अ चाइनीज दे विल किक योर एस। Vitamins, carrying my protein also, see। आ गया हूं अपने रूम में और आई एम गोइंग टू टेक शावर नाउ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने चलेंगे, वहां भी आपको साथ में लेके चलूंगा। आज पूरा दिन आप मेरे साथ रहेंगे तो धमाल करने वाले हम लोग। मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, वो फिनिश करने के बाद फिर हम लोग चलते हैं घूमने साथ में। प्रोटीन पी रहा हूं गाइस, चाहे कुछ भी हो जाए अपना वर्कआउट कभी नहीं छोड़ना, अपने बारे में हमेशा थोड़ा सा सेल्फिश होना बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखो आप लोग और वर्कआउट कंटिन्यू करो और मेरे साथ भी कंटिन्यू करो। चलो चलते हैं, लेट्स गो। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट खाएंगे, डेफिनेटली मैं तो कुछ फालतू की चीजें तो खा नहीं सकता, लेकिन डेफिनेटली वो सैलेड वैलेड जो मेरी डाइट चल रही थी, जीरो कार्ब्स जीरो कैलोरीज वाली, वो मेरे को कुछ 10 दिन के लिए छोड़नी पड़ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी भी अच्छा ही खाऊंगा, कुछ फालतू नहीं खाने वाला, है ना। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या है ब्रेकफास्ट।
ये आ गई मेरी, अब ये है मेरा ब्रेकफास्ट। आप देखिए, बिग बीन्स, सनी साइडर, देन ये एग है, ये भी, ये मशरूम है। इस वक्त मैं हॉप ऑन हॉप ऑफ में हूँ स्कॉटलैंड में। ये देखिए, तो बस निकल गई है और ये देखिए बाहर का कुछ इस तरह का माहौल है। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस यार, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। गाइस ये है जॉर्जेस स्क्वायर, ये जो पीछे आप ये वो देख रहे हो, खंबा देख रहे हो, उसका पुतला देख रहे हो, ये जॉर्जेस स्क्वायर है, ये मेमोरियल है। अरे भाई गजब की खूबसूरत जगह है यार, ब्यूटीफुल प्लेस। आ जाओ मैं घुमाता हूँ आप लोग, आ जाओ। समाधि है उनकी। ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल प्लेस। बहुत ज्यादा ठंड है बाहर, तो अंदर आ गया हूँ, एक कॉफी लेते हैं जल्दी से और फिर चलते हैं घूमने साथ में। इट्स अ कॉफी ब्रेक, छोटा सा नेस्कैफे, कैपुचिनो बहुत जरूरत थी। ये मौसम का जादू है मितवा, बहुत दिल पे काम कर रहे थे। लुक एट द व्यू, और मेरे हाथ में कॉफी, इससे अच्छी क्या बात होगी। यूरोप का सबसे बड़ा फायर फेस्टिवल होता है, आई मीन दिस प्लेस मैं आपको बयां नहीं कर सकता, इतनी खूबसूरती है यहाँ पे। और हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी हो रही है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, बट मजा आ रहा है, जबरदस्त वाला मजा। म्यूजियम है तो देख लेते हैं, इनकी हिस्ट्री के बारे में उतना पता नहीं अपने को, लेकिन फिर भी देखना बनता है यार, तो चलते हैं। बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है, कुछ अलग टाइप का स्ट्रक्चर है।
जगह तो मतलब कयामत वाली है।